अगली खबर धार से है। धार जिले के कैसूर क्षेत्र के गोरक्षकों ने ऊपर तक अधिकारियों से बात करके सूर्य व आसपास के क्षेत्र में संगति का कारण अभियान की शुरुआत की। पशु सहायक चिकित्सक डॉक्टर मौर्य ने बताया कि कुछ गौ माताओं में लक्षण दिखाई दिए हैं। हमने सभी किसानों को समझाइश दी कि गौ माता की सेवा किस प्रकार से की जाए, क्या सावधानियाँ रखी जाए और साथ ही टीकाकरण का अभियान भी चलाया जा रहा है। गौरक्षक राजेंद्र पटेल केसूर ने बताया कि हमने गोल डोर टू डोर टीकाकरण अभियान की शुरुआत करवाएंगे, एवं कृषकों को जागरूक करेंगे और गौरक्षा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भंवरलाल चौधरी एवं राष्ट्रीय महामंत्री विक्रम सिंह दरबार सभी से भी मार्गदर्शन लिया जा रहा है। टीकाकरण के साथ साथ देसी दवाइयों का भी उपयोग किया जा रहा है। केसूर क्षेत्र में आने वाले गौशालाओं के लिए अनिल परमार, पत्रकार राजेंद्र पटेल एवं अन्य साथियों ने खाचरोद गौशाला बिजूर सादलपुर में भी गोमाता के बारे में जानकारियां लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। ये वायरस आया केसूर में, कितने गायों को वायरस आ चुका है? ये एक दो जानवर को दिखा है, फिर भी हम इनकी रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। शासन द्वारा हमें वैक्सीनेशन प्राप्त हो गया है, तो हम हमारे अथक प्रयास है कि हम इस बीमारी के रोकथाम के लिए बचाव के उपचार भी कर रहे हैं, बचाव के लिए किसानों को सूचना भी दे रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे क्या रखरखाव करें इनका, जो जानवर को आए तो उनको अलग रखना। सरकार की ओर से क्या सहायता है इनको गायों को? वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम लोग। आपका नाम? जितेंद्र कुमार मौर्य, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, जिला धार, जिला अध्यक्ष धार।